मैं तुम्हारे लिए बुके एंड कार्ड लेके आई। ओके ओके, क्या कार्ड तो पढ़ो पहले। सॉरी, वो सुबह से चीख बहुत आ रही है। चीख आ रही है मतलब? अबे तुमने ये क्या किया? तबीयत मेरी खराब हो रही है, गुस्सा तुम क्यों हो रही? एक सेकंड पकड़ो। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? आई होप ये सब कुछ प्रज्ञा ने ना देखा हो। दादी सही कह रही थी, जब कुछ समझ ना आए तो सब अपने दिल पे छोड़ देना चाहिए। मेरे दिल ने मेरे सच्चे वैलेंटाइन को ढूंढ ही लिया और उसे ही ढूंढा जिसे मैं चाहता था। करना था मुझे इलाज। मैं दादी के पास जाकर चीख के लिए कुछ लेता हूं। के परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा।
मेरी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं, अभी